श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। भगवान स्वामी नारायण ने अपने वचनामृत कार्याणी प्रकरण के 12वें में बताया है कि विश्वास और प्रीति के साथ पुरुषोत्तम नारायण की बात को सुनना, इससे बड़ा मन को स्थिर और निर्विषयी होने का कोई साधन नहीं है। आज हम रविवार की सभा में भगवान की कथा सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो उपस्थित सभी को हार्दिक जय स्वामी नारायण। भगवान के नाम स्मरण से हमारे मन को स्थिरता प्राप्त होती है, तो आइए धुन स्तुति प्रार्थना के साथ आज की सभा का प्रारंभ करते हैं। को
प्रभु अभिमान उतारो तिनको, प्रभु अभिमान उतारो। आलस्य तजो भला होई के, आलस्य तजो भला होई के। इतनो मानो बचन हमारो, इतनो मानो बचन हमारो। भक्त वत्सल हरि बिरुद तिहारो, भक्त वत्सल हरि बिरुद तिहारो। गुण स्वरूप धर्यो तब तो हरि, सगुण स्वरूप धर्यो तब तो हरि। अति कृपालु पनो नहीं सारो, अति कृपालु पनो नहीं सारो। ब्रह्मानंद कहे दुष्ट न पर, ब्रह्मानंद कहे दुष्ट न पर। रोष कछुक अंतर मेधारो, रोष कछुक अंतर मेधारो। भक्त वत्सल हरि बिरुद तिहारो, भक्त वत्सल हरि बिरुद तिहारो। कल बल छल भावे त्यों करके, कल बल छल भावे त्यों करके। खल मंडल हरि बेग संहारो, भक्त वत्सल हरि बिरुद तिहारो, भक्त वत्सल हरि बिरुद तिहारो, भक्त वत्सल हरि बिरुद तिहारो। सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं, जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधीपम्। ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैः वेदादिकीर्त्यं विभुं, तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः। जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। भगवान के नाम स्मरण के साथ हमने आज की सभा का प्रारंभ किया। अक्षर ब्रह्म गुणादितानंद स्वामी जी ने अपने उपदेशामृत में बताया है कि ऐसे संत के दर्शन से हमारे कई जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। तो आइए गुरु हरि दर्शन के द्वारा प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी जी महाराज के दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। जीणी पाघ मनोहर सुंदर श्याम शरीर, माथे जीणी पाघ मनोहर सुंदर श्याम शरीर,
નથી રહેતી તારું રૂપ નિહાળી નથી રહેતી તારું રૂપ નિહાળી બ્રજનારીને ધીર તારી મૂર્તિ રે છે જો નેણુનો શણગાર તારી મૂર્તિ રે છે જો નેણુનો શણગાર किशोर ब्रह्मानंद कहे मोहि चुवेणे ब्रह्मानंद कहे मोहि चुवेणे नेणे जादू जोर तारी मूर्ति रे छे जो नेणु नो शणगार तारी मूर्ति रे छे जो नेणु नो शणगार नेणु શણગાર મારા હૈયા કે રોહાર નેણુનો શણગાર મારા હૈયા કે રોહાર તારી મૂર્તિ રે છે જો નેણુનો શણગાર તારી મૂર્તિ રે છે જો નેણુનો શણગાર નેણુનો શણગાર મારા નેણુનો શણગાર પ્રગટ પ્રમાણ મહારાજ ગુણાતીતાનંદમાં આજ પ્રગટ પ્રમાણ મહારાજ ગુણાતીતાનંદમાં સ્વામી શ્રીજીનું સત્ય સ્વરૂપ છે અંગો અંગ મારયા છે આજ ગુણાતીતાનંદ શિષ મહારાજનું તેના નેત્ર મારઈ જોવે આજ ગુણાતીતાનંદમાં તેના મુખમાં મુખ છે નાથનું મુખ મારઈ બોલે મહારાજ તેના ભુજમાં ભુજા ભગવાનની એના પાવમાં પ્રભુના પાવ ગુણાતીતાનંદમાં
पिछली सभा में हमने दर्शन किया था कि 1987 में जब समाज के ऊपर एक बड़ी आपत्ति आ पड़ी, तब परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कैसे कार्य किया। उन्होंने देखा कि तीन तीन वर्ष से पानी का एक बूंद भी नहीं गिरा है, और इसलिए उन्होंने देखा कि मनुष्य तो कैसे भी करके अपनी व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन गूंगे पशु का क्या होगा। उन्होंने संतों को इसके लिए कटिबद्ध किया, सर्वे कराया कि समाज में किस प्रकार की आवश्यकता है, संतों को भेजा और भी स्वयं सेवकों को भेजा अलग अलग जगह पर, वे स्वयं भी गए। उन्होंने जो है देखा कि पशु के लिए लोगों ने कैटल कैंप का प्रारंभ तो कर दिया है, लेकिन प्रारंभ करने के बाद भी वहाँ पर पूर्ति व्यवस्था नहीं हो सकी है। तो उन्होंने सभी संतों की एक मीटिंग की और वहाँ पर उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हमें भी कैटल कैंप का प्रारंभ करना है। उस समय जो व्यवस्थापक संत थे सभी ने बताया कि स्वामी जी, हम ऐसा करते हैं कि जो कैटल कैंप चल रहे हैं वहाँ पर जो है घास की आपूर्ति हम कर दें उनको, जितने भी घास की आवश्यकता है उतना घास हम पहुँचा दें, और भी कोई चीज़ों की आवश्यकता है तो वो भी हम पहुँचा दें, लेकिन ये कैटल कैंप चलाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि स्वामी जी की आज्ञा से प्रारंभ में डांगरा गाँव में एक कैटल कैंप का प्रारंभ किया था, तो संतों को अनुभव था कि कितनी दिक्कतें होती है। लेकिन प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि नहीं, हमें ही जो है कैटल कैंप का प्रारंभ करना है, और परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के निर्देश अनुसार तीन जगह पर बड़े कैटल कैंप का प्रारंभ हो गया। वहाँ पर पशु भी आने लगे। इसमें भी जो है हमने देखा कि प्रमुख स्वामी जी महाराज ने नई नात देखी, जात देखी, विरोधी को भी नहीं देखे। उन्होंने बताया कि किसी ने अगर हमारा विरोध किया है तो ये तो मनुष्य ने किया है, पशु ने थोड़ा हमारा विरोध किया है, और सभी पशुओं को उन्होंने अपने कैटल कैंप में स्थान दिया। इसके लिए हमने देखा कि उन्होंने संतों को लगा दिए। अब संत तो भगवान का भजन करने के लिए जो है संसार का त्याग करके निकले हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि अभी जो इस प्रकार की आपत्ति आ पड़ी है तो ये पशुओं की सेवा करना यही जो है भजन है। तो गुरु की आज्ञा से देश से आए हुए संत, विदेश से आए हुए, जिनको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन सभी उसी सेवा में लग गए, और परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की आज्ञा से सभी ने अच्छी तरह से सेवा की। उन्होंने जो है पशुओं के रहने के लिए छाव की व्यवस्था की, इसके लिए जो है बलियों के जो है मंडप बनाए, इसके ऊपर जो है घास डाले, और जो है सब प्रकार की सेवा में लग गए। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने साथ में ऐसे हरिभक्तों को भी तैयार किए, जिस प्रदेश में पानी की व्यवस्था थी वहाँ पर जो किसान थे हरिभक्त, उनको भी उन्होंने प्रेरणा दी कि आप अपने खेत में जो है इस वर्ष थोड़ा जो है घास अधिक करिए, ये घास हम आपसे ले लेंगे और इससे जो है पशुओं का पोषण हो जाएगा। तो इस तरह उन्होंने जो है ये कैटल कैंप का प्रारंभ करवाया। लेकिन जो है कैटल कैंप का तो प्रारंभ हो गया, लेकिन अब उसे जो है चलाना था। ये चलाने का काम भी जो है बड़ा मुश्किल था, क्योंकि सभी जो है पशु अलग अलग प्रदेश में से आए थे, सभी के जो है पशु थे तो बैल थे, तो उनके भी जो है स्वभाव होते थे, कई ऐसे विघ्न संतोषी भी होते हैं, जैसे जो है अंत में हमने देखा था कि अच्छे काम काम में जो है 1000 विघ्न आते हैं, तो कई जो है बाधाएं आई, कई विघ्न आए, लेकिन परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने संतों को लगाए रखा, संतों को जो है वे बल प्रेरित करते रहे कि आप जो है ये सेवा में लगे रहे, और सभी संत भी जो है परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की आज्ञा से इसमें लगे रहे। तो ये कैटल कैंप फिर जो है उन्होंने कैसे चलाए, ये आज हम देखने वाले हैं। तो अब हम वीडियो का दर्शन करेंगे, संत करुणा वर्षा से मिला जीवन पार्ट 2।
सन 1987, गुजरात। पिछले 3 वर्षों से बारिश नहीं होने की वजह से गुजरात पर सूखे का साया था। सूखी नदियां, सूखे तालाब और जगह जगह पर बिखरे बड़े पशुओं के मृतदेहों को देखकर बड़े बड़े हिम्मत वाले भी धैर्य खो बैठे थे। ऐसे भीषण सूखे के प्रभाव को हराने के लिए प्रमुख स्वामी जी महाराज कटिबद्ध हुए थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने प्रारंभ में डांगरा गांव में अस्थायी रूप से कैटल कैंप का प्रारंभ किया था। इसके बाद गुजरात में 4 स्थलों पर बड़े पैमाने पर कैटल कैंप का प्रारंभ कर दिया था। संतों और कार्यकर्ता भी उत्साहपूर्वक इस कार्य में जुड़ गए। कहते हैं कि शुभ कार्य में 100 बाधाएं। इन सारे पशुओं को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था और पहाड़ जैसे बड़े बड़े बैल और उनके बहुत ही भयानक उनके सींग, कभी हमारे मन में विचार आए कि चलो नज़दीक जाकर उसके सर पर हाथ रखते हैं, लेकिन वे हमें ऐसे तो देखते थे कि हम 4 कदम पीछे हट जाते थे। स्वामी जी को बताया कि यहाँ पर तो ऐसी स्थिति है कि कहीं जान से हाथ ना धोना पड़े। ये पशु ऐसे थे कि अगर हम पीछे से जाएंगे तो लात मारेंगे और आगे से जाएंगे तो सींग मारेंगे। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते थे, लेकिन स्वामी जी ने सभी में इतना बल उत्साह प्रेरित किया था और हम लोगों में इतनी जिम्मेदारी की भावना भर दी थी कि कुछ भी हो मुझे पशु को बचाना ही है। कई बैल तो ऐसे शरारती और उत्पाती आए थे कि रात भर लड़ते रहते थे। सुबह हम देखते थे तो किसी का कान कटा होता था, कोई नाद में गिरा पड़ा रहता था। रात में बड़ी दिक्कत रहती थी। रात को सिक्योरिटी वाले स्वयंसेवक के साथ 2 संत जागते थे। 4 वॉच टावर बनाए थे, उसके ऊपर से निगरानी रखते थे। कुछ सेवक घूमते रहते थे। एक बार तो रात को तो हमारे सामने ही 5 शेरा गांव का बैल था, उसने बाजरडा गांव का एक सेवक था उसको सिंह से उठाकर नीचे पटक दिया था। उसे तो पता भी नहीं चला कि बैल खूंटे से कब खुल गया और पीछे से आकर उसे पटक दिया। इस प्रकार बैल खुल जाते थे और उधम मचा देते थे। रात्रि में हम सेवा में थे और कई बैल एक साथ खुल गए और वो वहां से भागने लग गए। अब रात का समय था, हमें कुछ समझ में नहीं आया, हम तो बड़ी मुसीबत में फंस गए। संत और स्वयं सेवक उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागे। बीच में 5 फुट ऊंची कांटों की बाड़ आ गई, बैल कूदकर भाग गए और हमें पता भी नहीं चला। और हमें हैरानी की बात ये थी कि हमें भी ये नहीं पता चला कि हम उस बाढ़ को कैसे कूद गए। और ऐसे में हमें कई बार कुछ भी समझ में नहीं आता था, हम सोचते थे कि बैलों के पीछे भागे। परिस्थितियां बड़ी विकट हो गई थी, कई बैल तो नदी में से पानी के रास्ते भाग गए थे। अकाल खत्म होने के बाद ये पशु उनके मालिकों को वापस लौटाने थे, इसलिए प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उन भागे हुए पशुओं को लेकर काफी चिंता जताई। बैल वापस मिल जाएं, इसके लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और स्वयं सेवकों को भी उन्हें ढूंढने की प्रेरणा दी। जब प्रमुख स्वामी जी महाराज को यह बताया तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, सारे बैल मिल जाएंगे, एक भी गुम नहीं होगा, चिंता मत करो। कई पशु मिल नहीं रहे थे, उनको वहां के आदिवासियों ने यानी के स्थानीय निवासियों ने अपने घरों में रख लिया था। हमें काफी परेशानी हुई शुरुआत में, लेकिन फिर भी हमने उन्हें 4-5 दिनों में ढूंढ निकाला और हम सफल रहे। ऐसी समस्या आए दिन आती रहती थी। रोज एक ही काम होता था, सुबह तैयार होकर पशुओं के सामने बैठना। साथ में सेवक आए थे, उनकी भी रोज समस्याएं आती रहती थी, खाने की समस्या आदि। पूज्य हरिप्रकाश स्वामी दिन में कितनों को समझाते बुझाते थे। फिर एक बार उन्होंने स्वामी जी को कहा, स्वामी जी ये अंतिम कैंप रखिएगा, आगे और कैंप का मत सोचिएगा। स्वामी जी ने तुरंत पत्र लिखकर भेजा कि ऐसा तो 1000 कैटल कैंप लगाने हैं, एक ही में आप ढीले कैसे पड़ गए, ढीली बातें ना करें। स्वामी नारायण भगवान ने कितने ही अन्य क्षेत्र खोले थे और उसमें सभी सेवक ने सेवा की है, ये सेवा हमें मिली है, इसे बड़ा भाग्य समझकर करें। जैसे हमें मनुष्य का कल्याण करना है,
वैसे ही पशुओं का भी कल्याण करना है। गूंगे प्राणी कहाँ जाएंगे? अब इन गूंगे प्राणियों की सेवा भगवान की सेवा के समान है। ये शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज की सेवा ही है, ऐसा बलप्रद पत्र लिखा। उसे पढ़कर पूज्य हरिप्रकाश स्वामी उत्साह में आ गए और अंत तक बड़े उत्साह पूर्वक सेवा में लगे रहे। वधारे भीड़ो पड़े तो कोई मुजानी जरूर नहीं, करवानो आपड़े ए छे। आपड़े भगवान ने राजी करवा माटे जेने ढोर ऊपर मुक्या छे, नीर ऊपर मुक्या छे, उघरावानो मुक्या छे, आ बधाने थोड़ू थोड़ू आपणे भीड़ो तो पड़े छे अने थोड़ी मुश्किली पण पड़े। अने वरी पाछो ढोरा आगे रहेवानो एटले कंटाळा जेने काम पण खरुं, કારણ કે ઢોળા પાસે જ રહેવાનું, બીજું કંઈ જોવાનું નહીં, આગુ પાસે જવાનું નહીં કે ચાલો પેલું તો આમ આટો મારી આમના તો સવાર ઉઠ્યા ઢોર પાસે ઢોરને નીરવાનું, એને ખવડાવવા, એને જોવાનું, દરરોજ એ જ દર્શન, એ જ વાત કરવી પડે, એટલે એ પણ થોડો કંટાળો હતો. નહીં પેલું તો શું જરા ચેન્જ મળે ને ચેન્જ, પણ બધા ઉત્સાહથી જ કામ કરજો કે આપણને ભીડો પડે, જરા મુશ્કેલી પડે, થોડું વધારે પડતું, કારણ કે એટલા રસોડા ઉપર છે, પણ છતાં કોઈ વખત કોઈ મને આગુ પાછું થાય ત્યારે જરા એકબીજાને ભીડો વધારે આવી જાય, ભીડો ના ગણતો, ભક્તિ સમજીને इस प्रकार प्रमुख स्वामी जी महाराज के बल से सभी संत स्वयं सेवक देह की परवाह किए बिना, दिन रात देखे बिना सेवा में लगे रहे। परंतु समस्याएं भी कहां खत्म होने वाली थी। जो बैलों के मालिक आए थे वे जब भी फ्री हो जाते थे तब कार्यालय के पीछे वृक्ष की छांव में बैठते थे और बातें करते थे। वो बाहर बात कर रहे होते थे और मैं अंदर कार्यालय में था। उन्हें शायद पता नहीं था कि कार्यालय में हमें उनकी बातें सुनाई देती हैं। वे बातें करते थे कि संत ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते आदि बुराई किया करते थे। उनकी बातें सुनकर बुरा लगता था क्योंकि हमने तो कभी इस प्रकार का कार्य किया ही नहीं था, हमें कोई अनुभव नहीं था और फिर भी ऐसे पराए पशुओं को हमने रखा हुआ था। हम कहां ऐसे कार्य के लिए साधु बने थे। हम इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी ये लोग ऐसी बातें करते हैं। मुझे ऐसी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा और फिर मैंने सोचा कि ये लोग तो लायक ही नहीं हैं। स्वामी जी अटला दरा आए थे और मैं उनसे मिलने के लिए रात के वक्त उनके पास गया। जैसे ही मैं स्वामी श्री के पास गया मैंने उनसे कहा कि स्वामी जी हम ये सेवा कर रहे हैं लेकिन ये सभी लोग तो हमारे लिए ऐसा बुरा भला बोलते रहते हैं, इसलिए उनकी सेवा करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती। जब मैंने उनसे ऐसा कहा तो स्वामी जी ने मुझसे बोला कि नारायण मुनि हमें बड़ा दिल रखना है, अर्थात हमें किसी का भी बुरा नहीं देखना है, उनकी सेवा बड़े भाव से करनी है, और ऐसी बातें स्वामी जी ने उस समय बताई थी। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की विशेषता ये थी कि वे दोनों अंतिमों के बीच बड़ी अच्छी तरह से संतुलन बना सकते थे। ऐसी परिस्थिति में वे संतों को उत्साह से प्रेरित तो करते ही थे परंतु साथ ही साथ वास्तविक परिस्थिति से अनजान पशुपालकों को भी योग्य समझ देते थे। આ કેમ્પમાં જે આવ્યા ઢોર બધા મારા છે અને આ બધા ભગવાનના છે, હું પણ ભગવાનનો છું અને ભગવાને મને આ સેવા આપી છે માટે મારે એ ભાવથી સેવા કરવી. આ જે સંતો ગામડે ગામડે જાય છે ત્યાં આગળ કેટલી મહેનત કરે છે, આ ઘાસના પૂરા ઉઘરાવે છે, ત્યાંથી મોકલવાની વ્યવસ્થા કરે છે, વાવવાની માટે વ્યવસ્થા કરે છે. અહીંયા પણ તમે જુઓ છો સંતો કેટલા તમારી સાથે કામ કરે, એમને શું સ્વાર્થ છે? એમને કોઈ સ્વાર્થ નથી, એમને એક જ છે કે આ આપણી સેવા મળી છે ભગવાનની, આ પશુઓની સેવા આપણાથી થાય આપણે કરવી, એ જ ભાવનાથી કરે છે. એટલે એમાં એમને કોઈ બીજી વસ્તુ નથી કે તમને ઓછું આપી વધારે આપીને ના આપીને કંઈ બીજું એમને પ્રાપ્ત કરવું, એવું નથી. આ એક વસ્તુ છે કે સેવા ભાવનાથી છે, પણ કાર્યકર્તાઓની વ્યવસ્થામાં ભળવું એ બધું જરૂરી વસ્તુ છે. તો એ પ્રમાણે બધાનો સાથ સહકાર આપ બધાને મળીને એવું સુંદર કાર્ય કરો કે જેથી તમને પણ આનંદ થાય, કાર્યકર્તાઓને થાય, આપણે જે કંઈ વ્યવસ્થા કરી છે એમાં બહુ સારી રીતે થઈ જાય. તો ભગવાનની દયા છે કે બધા ખૂબ સારી રીતે પોતા મહિમાથી આ બધી સેવાઓ કરે છે. ઇસ પ્રકાર पशुओं से लेकर पशुपालकों तक की अनेक समस्याएं प्रतिदिन संत सेवकों को सताती रहती थीं। इन समस्याओं से छुटकारा पाने का एक रामबाण इलाज प्रमुख स्वामी जी महाराज ने बताया और वो ये कि प्रतिदिन मीटिंग करें। आज ने मीटिंग थाय अने सवारे नो प्रश्न सवारे एनी वते उकेल थाय, मिदळ हाजे पशु प्रश्न बीजो आयो तो बीजो उकेल थाय, તો આ વસ્તુ બની શકે. આ તો તમારા મનમાં તમે રાખો, આમના મનમાં આ રાખે, આના મનમાં આ રાખે, કોઈ કોને ભેગું નહીં, પૂછે નહીં કલ્યાણ કેમ થાય, એવી બધી વસ્તુ રહી. એટલે દરેકે એ રે આ વેદજ્ઞ સ્વામી રે પેલા ખાતાનો એ ખાતાનો જેને હોય ને શું દરેકનો પ્રશ્ન આવે એટલે એ પ્રશ્નનો તરત નિકાલ નિરાકરણ કઈ રીતે કરવું
એ તરત જ અમને થાય કે સવારે આ રીતે આપણે કાલે કરવાનું છે. બસ પછી માણસનો પ્રશ્ન આવ્યો તો એને ઢોરનો પ્રશ્ન આવ્યો ને તો એને દાનનું આવ્યો ને પાછું ટ્રેક્ટર લાવવાનું હોય ત્યાંથી ખાડ લાવવાનું શું લાવવાનું કઈ રીતે એ બધો ત્યાં ત્યાં નિકાલ થઈ જાય. એટલે કાલે સવારે એ માણસને કહી દો તમારે આ જવાનું તમારે આ રીતે કરે બસ એ રીતે કરીને ઉકેલ લાવી જાય. નહીં તો તમે ભેગા ના થાવ ને તો હવે ગુંચાય જ કરે. યાદ રહે इस कालखंड में प्रमुख स्वामी जी महाराज का विचरण सतत चलता ही रहा. सन 1988 के एक ही वर्ष में प्रमुख स्वामी जी महाराज ने 313 गांवों में विचरण किया था. भक्तों के संकल्पों को पूरा करने के लिए, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वे कुछ भी करने के लिए तैयार थे. मुलाकात, पधरावनी एवं पत्रों की धाराएं तो वे नित्य बहाते रहते थे. तदुपरांत गांधीनगर स्थित स्वामी नारायण अक्षरधाम के साथ कितने ही मंदिरों का निर्माण कार्य समानांतर रूप से चल रहा था. चंदन की भांति स्वयं पिसकर घिसकर दूसरों को शांति प्रदान करने वाले ये संत आध्यात्मिक कार्यों की व्यस्तता में भी किसान एवं पशुओं की सतत चिंता करते थे. इस हेतु वे सैकड़ों पत्र, फोन कॉल्स और मीटिंग्स द्वारा संतों एवं स्वयं सेवकों को प्रेरणा के पीयूष पिलाते रहे. स्वामी जी की करुणा का प्रवाह वेगवंत तो था ही, साथ में सुआयोजित भी था. पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए तीन बातें अति आवश्यक हैं. मैनेजमेंट के पंडित भी न सोच सके ऐसे विचार स्वामी जी बड़ी सहजता से बताते थे. कारण स्पष्ट था कि स्वामी जी हृदय से पशुओं की सेवा करना चाहते थे. गोचासन अक्षर पुरुषोत्तम संस्थान की तरफ से भी कैटल कैंप बनाए गए और मैंने कैटल कैंप का निरीक्षण प्रमुख श्री के साथ किया तो मैंने देखा कि वो सामान्य कैटल कैंप नहीं था. वो एक विशिष्ट आयोजन था और मेरी उत्सुकता प्रमुख श्री के संचालन को देख के बहुत बढ़ती गई कि कैटल कैंप चलाना है तो कैसे चलाना है, क्योंकि इस तरह का ट्रीटमेंट दूसरी संस्थाओं की तरफ से करने वाला जो कैंप था उसमें नहीं मिला था. प्रतिदिन कुछ न कुछ सूचना स्वामी जी की ओर से अवश्य आती थी कि मुझे ऐसा करना है. जब वहां से पशु निकले तब से लेकर पूरी व्यवस्था स्वामी जी ने कर दी थी. हमें होता थी कि वे ये सब कैसे सोच लेते होंगे. उन्होंने पूरी व्यवस्था सोच रखी थी कि पशु जब निकले तब अस्थाई रजिस्ट्रेशन यानी उसकी पहचान लिखें और रजिस्टर किया जाए. एक ट्रक में ज्यादातर दो तीन नहीं बल्कि 10 के बराबर आते थे और उन सभी पशुओं की जानकारी और ये बताना कि इसका मालिक कौन है इत्यादि के साथ ही उसे कैंप में भेजा जाता था. कैंप में उनका फॉर्म भरा जाता था यानी उसका पशुओं का जैसे रजिस्ट्रेशन होता था मालिक के नाम के सामने पशु की जानकारी और उसे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता था. उस नंबर का टैग उस पशु के कान में लगाया जाता था जिससे पशु की पहचान हमेशा बनी रहे और अगले वर्ष वापस देते समय सरलता रहे. क्योंकि हमें तो सभी पशु एक जैसे दिखते थे, सभी बैल एक जैसे ही लगते थे. उस समय ये रजिस्ट्रेशन समझ में नहीं आती थी लेकिन जब पशु वापस दे रहे थे तब पता चला कि वास्तव में स्वामी जी ने बड़ा दूर का सोच रखा था और इसी तरह इस प्रकार पशु को कैटल कैंप में प्रवेश मिलता था. सभी पशुओं के नंबर के अनुसार पंक्ति में रखते थे जिससे कोई गलती ना हो और कौन सी पंक्ति में कौन से नंबर के पशु हैं उसकी भी मार्किंग किया जाता था. प्रमुख स्वामी जी महाराज स्वयं जब मुलाकात के लिए पधारे तब कैटल कैंप में सब कुछ देखने के बाद उन्होंने एक सूचना दी. जब हम वहां पहुंचे तो हमने कुछ ऐसी वस्तु देखी जो हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि जहां पशुओं को रखे थे वहां छांव के लिए स्ट्रक्चर बने थे, उसमें प्रकाश की सुविधा के लिए बिजली की जरूरत थी, तारों की जरूरत थी, इलेक्ट्रिक तार दौड़ाकर बल्ब लगाए थे और प्रकाश की व्यवस्था की थी. जैसे ही स्वामी जी ने देखा तुरंत उन्होंने कहा कि इसमें अगर शॉर्ट सर्किट होगा, सूखी लकड़ी, सूखा घास, सूखे पत्ते से बना स्ट्रक्चर
तुरंत आग पकड़ लेगा, फिर पशुओं को आप कैसे बचाएंगे? उन्होंने सभी इलेक्ट्रिक तारे खुलवाई और कहा कि इन तारों को आप बाहर से रन करें और बाहर से प्रकाश की व्यवस्था करें ताकि बाहर से प्रकाश आराम से अंदर आ सके। कितनी सूक्ष्म दृष्टि कि सामान्य व्यक्ति में और उनमें कितना अंतर है। हमारे यहाँ पर कई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आए थे, मैकेनिकल इंजीनियर आए थे, समाज के श्रेष्ठ ही भी आए थे, हमारे जैसे उद्योगपति भी आए थे, लेकिन इस विषय पर किसी की भी दृष्टि नहीं पहुंची थी। स्वामी जी ने तुरंत ही पकड़ लिया था। देहने दमता प्रमुख स्वामी स्वीकारी पार की पीड़ा, स्वीकारी पार की पीड़ा, हसीने खमता प्रमुख स्वामी, हसीने खमता प्रमुख स्वामी, भलू करवा हमेशा बिजानू। एक निमंत्रण ऐसा मिला था कि बड़ौदा के पास वगोड़िया में GIDC है, उसके चेयरमैन सनत भाई मेहता ने स्वामी जी से कहा था कि हम आपको यहाँ पर जमीन दिखाते हैं जिसमें खेती करके आप घास फसल ले सकते हैं, परंतु हम ये अच्छे से जानते हैं कि स्वामी जी का काम पक्का था, ये हम सब जानते हैं। स्वामी जी ने कई सूचना पत्र लिखने शुरू किए। इसमें प्रथम सूचना थी कि आप स्वयं जाकर वह जमीन देख लीजिए। दूसरा पत्र था कि जमीन कैसी है, जमीन में कहां पर वृक्ष है, उसे निकालना पड़ेगा तो नहीं, जमीन खेती लायक है या हमें खेती लायक बनानी है, वहां पानी के कनेक्शन कैसे हैं या पानी की व्यवस्था कैसी है, इलेक्ट्रिक के कनेक्शन कैसे हैं, सब कुछ करने में कितना खर्चा लगेगा, सामने हमें कैसी फसल मिलेगी और घास कितने खर्च में तैयार होगी, ये सब कुछ जानकारी इकट्ठी कराइएगा। इसके बाद अहमदाबाद में हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया और चर्चा की, तब पता चला कि यह सब कुछ करके जो घास मिलेगी वो तो हमें महंगी पड़ेगी। फिर स्वामी जी ने आदेश दिया कि आप घास खरीदना प्रारंभ कर दीजिए, आवश्यकता के अनुसार खरीदी करिएगा। पशुओं को सूखी घास एवं हरी घास दोनों देनी पड़ेगी, इसलिए दोनों प्रकार की घास की खरीदी प्रारंभ कर दीजिएगा। हम तो बिना सोचे सभी प्रकार की घास खरीदने लगे। हमें ये भी नहीं पता था कि कैसी घास पशु को पसंद आती है, किसे कड़प कहते हैं, हरी घास कितने दिन तक अच्छी रहती है, किसी भी चीज़ का पता नहीं था। स्वामी जी को पता चला तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार की घास हमें महंगी पड़ेगी, ऐसी घास लेना चाहिए इत्यादि उन्होंने बताया। घास के विषय में भी कितना ज्ञान है। उनको सब प्रकार की जानकारी थी कि घास कितने रुपए में खरीदनी चाहिए, कितनी कीमत है, अभी शायद अकाल की वजह से घास का दाम अधिक देना पड़े तो कितना अधिक देना होगा, ये सारी जानकारी स्वामी जी को थी और वो ये सारी जानकारी लोगों तक पहुंचाने लगे। स्वामी जी ने बहुत सोच विचार करके ये सूचना दी थी कि वहाँ पर घास के पुआलों का ढेर ना करो, एक साथ बिल्कुल ना करें, 500,000 पुआलों का एक ढेर, फिर थोड़ी दूरी पर दूसरा ढेर कीजिए, फिर तीसरा ढेर, अगर आग वाग लगे तो एक साथ सारा का सारा ना जल जाए, दुर्घटना से बचाव के लिए और देखभाल के लिए कोई चौकीदार रख लो, सभी ढेरों के नजदीक में पानी की व्यवस्था करवा लो, अगर आग लग गई तो पंप चालू करके बुझा सकें, ये भी सूचना स्वामी जी ने दी थी। ऐसी छोटी छोटी बातों पर रात दिन विचार करके एक दो दिन में सूचना पत्र अवश्य लिखते थे या कभी सामने बुलाकर हमें सारी बातें समझाते थे। वहां स्वयं स्वामी जी ने आयोजन करके घास की बुआई करवाई थी, मजदूर मिल नहीं रहे थे, कटाई का समय हो गया था पर समय पर ना काटे तो बर्बाद हो जाएगा और बड़ा नुकसान होगा, तो स्वामी जी ने सबको बताया कि सभी संत और कैटल कैंप के सेवकों को लेकर वहां जाइएगा
दो दिन में सारा घास काट कर इसी जगह कैटल कैंप में आप सब लोग वापस आ जाइएगा। तो घास की कटाई के लिए मजदूर की समस्या तो भयंकर थी ही, पर स्वामी जी ने पूरा आयोजन कर दिया था और दो दिन में ही सारी की सारी कटाई हो गई और पूरा घास कैटल कैंप में सुरक्षित पहुंच गया। स्वामी जी ने संतों स्वयं सेवकों को कहा कि प्रतिदिन इकट्ठे होकर घास का स्टॉक कितना है, पानी का स्टॉक कितना आता है, प्रतिदिन पशु कितना पानी पीते हैं, उस विषय में भी चर्चा करें और चर्चा करें कि पानी का स्टॉक कम तो नहीं पड़ेगा, इस प्रकार चर्चा करें, क्योंकि ये कैटल कैंप 8-9 महीने तक चलाना है, बीच में कोई समस्या खड़ी नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी एक बार मुलाकात पर आए थे तो वहाँ जो भी कार्यकर्ता थे उनसे स्वामी जी ने पूछा कि पशुओं को क्या क्या खाने को देते हो और कैसे देते हो। सांकरी क्षेत्र में गन्ने की खेती बहुत ज्यादा होती है, गन्ने का अगला भाग जैसे सीमड़ी कहते हैं पशुओं को देते हैं, लेकिन स्वामी जी ये बात भी अच्छी तरह जानते थे कि गन्ने का आगे वाला भाग पशुओं को गर्म पड़ता है। स्वामी जी ये भी जानते थे कि इसका अगला वाला भाग जो है पशुओं को बहुत गर्म पड़ता है, इसलिए दूसरी भिन्न भिन्न घास भी पशुओं को देते रहिएगा। अरे काठियावाड़ा डोर से डांगर ना पुराना है यह के वस्तु से तुमने वो काठियावाड़ा डोर से बताओ कि एक बजे डांगर ना पाके नहीं, डांगर ना पूरा खाए पण नहीं, डांगर ने त्या वपरास पण नहीं, आ तो ता दुष्काळ में એટલે તમે લઈ ના ગો ભૂતા ડોર તો ખાય પછી ચારા સચલા ડોર છે ને એને કોઈ દિવસ ના ડાંગર ખાધી જ નથી। और इस प्रकार स्वामी जी को कभी ऐसा नहीं लगता था कि चलो देखते हैं पशु खूब तरोताजा होकर दोबारा अपने मालिक के काम में आए। स्वामी जी हमेशा ऐसा ही सोचा करते थे। प्रतिदिन वजन करके पशुओं को आहार दिया जाता था, यहाँ पशुओं को कुछ श्रम करना नहीं था, इसलिए अधिक आहार भी पशुओं को योग्य नहीं था और कम आहार भी उसे अशक्त बना सकता था, इसलिए आवश्यक आहार स्वामी जी ने पशु चिकित्सकों के साथ चर्चा करके तय किया था कि पशुओं को किस प्रकार का आहार दिया जा सकता है, मतलब पशुओं को कौन सा आहार दें, कितना दें, प्रातः और साय दोनों समय प्रत्येक सेवक अपनी पंक्ति के अनुसार कितना किलोग्राम हरा घास, कितना किलोग्राम सूखा घास, उसकी गिनती करके वजन करके ले जाते थे। और उन्होंने संतों को निर्देश किया कि जब ये पशु वापस जाएं तो कम से कम उनका वजन सवाया होना चाहिए और इसके लिए उनकी सेवा, यहाँ उनकी सेवा करनी है, खाली उनको खाना पीना देना है उतना ही नहीं। और जो संत पढ़े, कई तो उनमें से बहुत क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड संत थे, इंजीनियर्स थे, मैनेजर्स थे, और जो संत कभी शायद पशुओं के मुआवजत में लगे भी नहीं थे, वो सब छापरा बनाने में और पशुओं की साफ सुथरी करने में, पशुओं की सेवा का काम करने में तत्पर हो गए। जब स्वामी जी कैटल कैंप की मुलाकात के लिए पधारे तब वे सभी मंडप में एक एक शेड जो सूखे घास पत्तों से बनाया गया था, स्वामी जी सभी जगह पर गए थे, एक एक बैल के पास गए थे, बैल के माथे पर पीठ पर हाथ रखा था जो नांद बनाए थे, उसके पास जाकर जो घास डाला था तो उसे हाथ में लेकर चेक करते थे। कई बार क्या होता था कि इतने सारे पशु थे और सभी को एक साथ घास डालना था तो कई बार आलस्य से घास के पुआल बिना खोले पशु के सामने रख देते थे और स्वामी जी के हाथ में वही आता था और स्वामी जी सूचना देते थे कि बंधे हुए घास को पशु कैसे खा पाएगा, इसे खोल कर नान में डालना चाहिए। स्वामी जी हम सभी को यही बोलते थे कि वो पशु हैं, वो मुक पशु हैं, उनको खाने के लिए दिक्कत होगी तो पुआल खोल के ही उनके सामने रखना। जैसे ही पशु कैटल कैंप में पहुंचते थे स्वामी जी ने पहले से ही सूचना दे रखी थी कि देखिए जो पशु आएंगे वे सूखा ग्रस्त क्षेत्रों से आएंगे, कमजोर को बीमारी अधिक होती है, पशु कमजोर होंगे तो स्वाभाविक है कि रोगग्रस्त भी होंगे, अगर उसे दूसरे पशुओं के साथ रखेंगे तो पूरा कैटल कैंप रोगग्रस्त हो जाएगा, बड़ी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए स्वामी जी ने आइसोलेशन वार्ड बनवाए थे, जो पशु आते थे उसे सीधा कैटल कैंप में प्रवेश मिलता नहीं था, उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता था। उस समय स्वामी जी की आज्ञा से बहुत सारे पशु चिकित्सक भी अपनी अपनी सेवा में लगे थे, जैसे अमूल डेयरी के सभी डॉक्टर्स आते रहते थे, NDDB के डॉक्टर भी आते थे, वेटरनरी कॉलेज के प्रोफेसर सर्जन भी यहाँ आते रहते थे
और सरकार के पशुपालन विभाग के डॉक्टर भी यहाँ आते रहते थे और अपनी सेवा पूरी करते थे। जब से पशु और बैल आए तब से लेकर उनकी विदाई तक का मैं साक्षी हूँ। हालांकि प्रमुख स्वामी जी महाराज का एक ही आदेश था, जीव दया, किसी भी कीमत पर पशुओं को हमें बचाना है। प्रमुख स्वामी जी जब भी मुलाकात के लिए पधारते थे तब हमें बुलाते थे, पूछते थे इसमें आपका क्या ओपिनियन है, इसमें क्या करना चाहिए। तो हमने प्रमुख स्वामी जी से ये कहा था कि सभी जानवरों सभी पशुओं का रसीकरण कर देते हैं जिससे भविष्य में बीमार ना पड़े। साथ में ऐसा भी आयोजन किया अगर उसे कुछ हुआ तो उसके भी इंजेक्शन दे देते हैं। प्रमुख स्वामी जी ने कहा कि अगर दवाइयाँ चाहिए तो कहीं से भी स्पेशल मंगवा लीजिए, परंतु हमें पशुओं को बचाना है। इसलिए धर्म जात पात का भेदभाव बिना सभी के बैल आते थे। यहाँ जो भी पशु आए उनका पहले मेडिकल चेकअप हुआ और वो मेडिकल चेकअप के बाद वैक्सीन सबको दी गई। जो विशेष बीमारी वाले थे उनको अलग खंड में रखा गया, उनके लिए वेटरनरी डॉक्टर्स अपॉइंट किए गए। कुछ पशुओं का ऑपरेशन भी यहाँ पे किया गया। पशुओं को वो मेडिसिनल पानी एक होता था जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट और फिनाइल वगैरह होती थी, उसमें चलाने के लिए एक एक्सरसाइज कराई जाती थी जिससे कि उनके जो नीचे के खीले हैं उनमें फंसी हुई बट्टी हो या कोई दूषण हो तो वो सब साफ हो जाए। अब ये छोटी सी बात है, पशु कैंप तो और भी थे लेकिन इतना ध्यान पशुओं का रखना जितना कि आप अपने संबंधियों का रखेंगे। प्रमुख स्वामी जी महाराज जी ने सिर्फ एक बात बताई थी कि अपने पास कोई भी किसी तरह का भी पशु आए तो उसका पहले वजन कर लें और जब विदाई हो तो उसका वजन सवाया वजन हो जाना चाहिए। ये प्रमुख स्वामी जी महाराज का आदेश था। इसके लिए हम संतों के साथ मिलकर पुरुषार्थ करते थे और जब भी पशु बीमार हो जाता था रात में या दिन में तुरंत सारवार मिल जाती थी। स्वराष्ट्र में तो ऐसा है कि 3 दिन में भी डॉक्टर नहीं आते हैं, लेकिन प्रमुख स्वामी जी महाराज ने सभी संस्थाओं से बात की थी कि ये हमारा एक भागीरथ कार्य है तो इसमें हमारी सहायता करें। इससे आधे या एक घंटे में तो डॉक्टर पहुंच जाते थे। किसमें कौन सा प्रोटीन तत्व होता है ये तो हमें पता नहीं था और किसमें क्या क्या है, उनको क्या खिलाना चाहिए है, स्वामी जी ने ये सब कुछ रिसर्च करके रखा था। जब भी वे डॉक्टरों को मिलते थे, जब भी किसी से मिलते थे तो उसे पूछ पूछ कर स्वामी जी ने पूरी तैयारी की थी। प्रमुख स्वामी जी ने बोला था कि सप्ताह होते ही पानी का टेस्टिंग कराइए जिससे अगर उसमें कोई हानिकारक तत्व हो तो उसके बारे में पता चले। उसका टेस्टिंग तक कराया। प्रति सप्ताह चूना है, व्हाइट चूना भी लगाते जिससे उनको कैल्शियम तत्व मिलता रहे और उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। एक जगह जानवर की सफाई करवाई जाती थी उनके पूरे शरीर की। पशुपालक बोलते थे कि हम तो एक आध बार अमावस्या के दिन सफाई करते थे और अगर भूल गए जब वर्षा हो तभी पशु की सफाई होती थी, इसके अलावा नहीं होती थी। पर यहाँ तो नियमित 2-3 दिन में बैलों की सफाई हो जाती है, किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रहती थी। अगर कोई बैल बीमार हो जाता था अथवा पंगू हो जाता था उस जानवर को स्पेशल पोटेशियम परमैंगनेट KMN-04 जो सोल्यूशन होता है उसको पानी में डालकर वो पिलाते जिससे उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती। कमजोर पशुओं के लिए हमेशा विशेष आहार की व्यवस्था की गई, इसमें चने की कतरी, बोरे भर भर के पशुओं के लिए सबके लिए मक्के का भूसा और दाल के दाने की व्यवस्था की गई थी। कई ट्रक भर के पौष्टिक पशु आहार भी खरीदा गया था। जो किसान आए थे उन्होंने बताया था कि ये कार्य हमसे कभी होगा ही नहीं, हम मालिक होने के बाद भी ये कार्य नहीं कर सकते हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने इस कैटल कैंप की सेवा में जुड़े हुए संतों को मानो एक मिशन स्टेटमेंट दे दिया था कि एक भी पशु की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, अगले वर्ष ये पशु अपने मालिक के काम में आए, ऐसी इनकी देखभाल करनी है। पशुओं और पशुपालकों के प्रति सच्चे हृदय से प्रेम हो तो ही समय के आर पार नजर जा सकती है और हृदय से ऐसे उद्गार निकल सकते हैं। स्वामी जी का इसके लिए हमेशा मनोवैज्ञानिक अभिगम रहा था।
और स्वामी जी ने कहा जो बैल है वो आइडल अवस्था में है, जिसमें उनको कुछ भी काम नहीं करना है, सिर्फ खाते रहना है और फिर आराम करना है। तो ऐसे में ये बैल अगले वर्ष उपयोगी नहीं रहेंगे, इसीलिए उन्हें सतत प्रवृत्तिशील रखने के लिए जब कैटल कैंप का निर्माण हो रहा था तब स्वामी जी ने सूचना दी थी कि पानी का टैंक थोड़ा दूर रखिएगा, जिससे प्रतिदिन जो सेवक है वो बैल को लेकर टैंक के पास जाएगा और फिर वापस चलाकर लाएगा। इससे ये होता था कि उनकी एक्सरसाइज हो जाती थी। इस प्रकार प्रत्येक दिन थोड़ी एक्सरसाइज कराने का स्वामी जी ने पहले से ही आयोजन कर दिया था, ताकि जो बैल है वे अगले वर्ष खेती में उपयोगी हो सके। स्वामी जी जब आए थे तो मुझे एक और ले गए और उन्होंने कहा कि इन पशुओं में किसानों के बैल भी हैं, जब वर्षा होगी तो तब किसान उसे बुआई के लिए जोतेंगे, तब बैल को कीचड़ में गारे में चलना पड़ेगा, इसलिए अभी तो जानवरों को पेट भर चारा डालो, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा कर देना, क्योंकि जब किसान बैलों को खेतों में जोतेंगे तब बैलों में बहुत ताकत होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत जोर लगता है, इसलिए ताकत तो होनी चाहिए ना। स्वामी जी छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखते थे। उस समय प्रमुख स्वामी जी ने जो रस लिया था उसे नापने का कोई पैमाना नहीं था, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने गूंगे पशुओं को तो संभाल ही रखा था, पर पशुपालकों को भी वे भूले नहीं थे। स्वामी श्री की करुणा वर्षा उन पर बार बार बरसती रही। स्वामी जी ऐसा कहते थे कि आने वाले किसानों के मन में ऐसा जरा सा भी नहीं लगना चाहिए कि हम किसी राहत कैंप में आए हैं। वो अपने घर में जिस तरह रहते हैं उन्हें बिल्कुल वैसा ही वातावरण मिले, ऐसा निरंतर प्रयत्न करते रहें। और इनके लिए तो स्वामी जी ने यहाँ तक आग्रह रखा था कि इन लोगों को सप्ताह में एक बार कुछ नमकीन, जैसे कि बड़े इत्यादि जो उनके प्रदेश में बनता हो, जो उन्हें अच्छा लगता हो, उसे बनाकर खिलाइएगा, और जब त्योहार और उत्सव के खास दिन आए तो उन दिनों में खास तौर से कुछ मिष्ठान बनाइएगा। हम जितने भी संत थे सभी को स्वामी जी ने एक नियम बांध दिया था कि जब तक राहत कैंप चले तब तक आप सब लोग मिठाई का त्याग करिएगा। पर किसानों के लिए व्यवस्था करवाई थी, ऊपर से ऐसी भी सूचना दी थी कि एक ही प्रकार की मिठाई नहीं पर अलग अलग मिठाइयाँ खिलाइएगा। लगभग दो दिन में एक बार फोन आ जाता था और सप्ताह में दो से तीन बार पत्र आ जाता था जिसमें ये सभी सूचना देते थे। एक बार तो स्वामी जी स्वयं मार्च महीने में कैटल कैंप में पधारे और स्वामी जी ने स्वयं निर्णय किया, किसानों से मिले और सभी से पूछते थे कैसा है, भोजन ठीक से मिलता है या नहीं, ये सभी बात पूछते थे। और इस प्रकार स्वामी जी ने उन किसानों की अच्छी से अच्छी देखभाल रखी थी। प्रमुख स्वामी जी ने हमसे पूछा कि भाई तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने दाढ़ी कराने की व्यवस्था अपने आप कर दी थी, हमने बोला नहीं था नाई के लिए, हमारे पास पैसा नहीं था और उन्होंने दाढ़ी कराने की व्यवस्था करा दी थी। हमारे फटे पुराने कपड़े देखकर दर्जी को बुलाकर उन्होंने हमारे कपड़े बिल्कुल ठीक करवा दिए थे, एकदम नए जैसे, और नहाने धोने के लिए उन्होंने साबुन दिया था हम सबको बिल्कुल फ्री। ये सारी सुविधाएं हमें बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाई थी प्रमुख स्वामी जी ने वहां आकर। हम किसानों को वहां कोई दिक्कत नहीं थी, हम सब किसान वहां पर कम से कम 400-500 की संख्या में तो रहे होंगे और सप्ताह में एक बार हमें मिठाई अवश्य मिलती थी। प्रमुख स्वामी जी ने आज्ञा की थी हमारे किसानों को मिठाई खिलाइएगा, वो संत खाते नहीं थे पर हमें खिलाते थे, इतना अधिक प्रेम हम किसानों के ऊपर था, प्रमुख स्वामी महाराज का यह प्रेम था। प्रमुख स्वामी जी की आज्ञा से संतों ने हमारे बैलों की हमारी जो सेवा की है उसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। संत ऐसी सेवा करते थे हम आश्चर्यचकित हो जाते थे, सुबह जल्दी उठकर गोबर साफ कर देते थे, कुछ भी बीच में अगर कोई भी बाधादायक पड़ी हो उस चीज़ को भी वे हटा देते थे। रात को जागने के लिए मेरी सेवा रात्रि में जागने की थी तो हमारे साथ जो एक संत थे वे हमारे लिए रात को चाय नाश्ते की व्यवस्था कर देते थे। रात्रि 12 बजे वे कुछ नहीं लेते थे पर हमें प्रतिदिन नाश्ता कराते थे,
और रात्रि में वे स्वयं पशुओं के बीच 3-4 चक्कर लगाते थे। हम में से अधिक वे जागृत रहते थे। अभी भी हमें ये प्रसंग याद है कि स्वामी जी थे तो पूरा वर्ष अच्छी तरह से निकल गया और हमारा बहुत अच्छा समय पास हो गया, और इसीलिए वो हमारे लिए हमारे पिताजी तुल्य हैं। एक तो जितने लोग थे वहाँ पे संत थे, बाकी थे पशुओं के मालिक थे, वो सब लोगों की कृतज्ञता पर जो उनकी बातों में एक प्रेम था पशुओं के, वो प्रेम से एक ऐसा वातावरण खड़ा हुआ कि लगा जैसे कि वो एक दिव्य वातावरण में ये सब हो रहा है। वो एक दिव्यता थी प्रमुख श्री में, उनके उनकी जो उनका सानिध्य जो था उसमें ही एक औरा था उनका जो महसूस होता था। तो इस तरह से ये पशु कैंप अपनी तरह से एक अनोखा था, और इसी वजह से मुझे आज इतने वर्षों के बाद भी विगतें जो हैं वो सब याद हैं। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने पशु पालकों के जीवन निर्वाह की तो चिंता की ही थी, पर साथ ही साथ उनको पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा भी दी थी। कैटल कैंप में आने वाले पशु पालकों के लिए उन्होंने प्रारंभ किया था नशा मुक्ति का यज्ञ। એટલે ભગવાને આપણને આ માટે નિમિત્ત એક ઊભું કર્યું છે, આપણા કલ્યાણ માટે, સારા માટે, અને પશુઓનું કલ્યાણ, આપણું કલ્યાણ, બે રીતે કંઈક એવો યોગ થવાનો છે। એટલે પૂર્વના કંઈક પુણ્ય યોગ એટલે આ થઈ ગયા, અહીં આવી ગયા, અને અહીં આવ્યા એટલે આ સંતોનો યોગ, સંતોનો કેટલો દાખલો છે વાત કરી આપણે કે એમને કેટલી રીતે આપણું ધ્યાન રાખે છે, એ કંઈ ઓછી વાત નહીં। તો આપણે આ લાભનો થોડો વિચાર કરો કે અમને નિસ્વાર્થ રીતે સેવા આપણે માટે કરે છે, તો આપણે તો થોડુંક જ મૂકવાનું છે, નથી ઘર મૂકવું, નથી બહાર મૂકવું, નથી ખાવાનું મૂકવું, કે નથી કોઈ જાતની ખેતી મૂકી દેવી, તમારે બધું જ પાછું જઈને કરવાનું, પણ એટલું કે વ્યસન મૂકો, એટલું જ આપણે મૂકવાનું છે કે મનુષ્ય દેહ આપણને મળ્યો છે, આવો સત્સંગ મળ્યો, આટલા મહિના સુધી એમાં ભેગા રહ્યા, તો આપણે કેટલું બધું બળને એ થઈ જાય, એટલે એ ઘરે જ, અને જે બધો લાભ થશે પાછો તમને થશે, તમે જાણીને જે કંઈ આ બધા પૈસા બચાવશો, વ્યસનથી રહિત થઈશો, તે પૈસા તમારા ઘરમાં રહેશે, તમારા છોકરાને કામ આવશે, તમારું મકાન સારા થશે, વળી ખેતી સારી થશે, ખાતર પૂજો થશે, એમ બધો ઘણો લાભ થશે। 90% પશુપાલકોને અપને નશે કો સ્વામીજી કે ચરણો મેં ત્યાગ દિયા। કોઈ અફીમ કા વ્યસની થા ઉસને અફીમ છોડી, કોઈ દારૂ કા વ્યસની થા ઉસને દારૂ છોડી, ઓર બીડી તો સામાન્ય થી, ઉસે ભી ઇસ કેમ્પ મેં આયે કિસાનોને છોડ દિયા। સચમુચ ये मानव कल्याण का कैंप माना गया। जब भी वहां पर प्रमुख स्वामी जी आते थे तब वे हमें कहते थे कि ये दुर्व्यसन छोड़ दीजिए। फिर हमने इस बात पर थोड़ा विचार किया कि स्वामी जी बोल रहे हैं तो सही होगा, इसलिए हमने धीरे धीरे व्यसन बिल्कुल छोड़ दिया। व्यसन छोड़ने के बाद हम सब ने नियमित रात्रि सत्संग करना शुरू कर दिया था। सभी लोगों ने उनका धन्यवाद दिया कि आपकी वजह से व्यसन छूट पाया। एक किसान तो ऐसे आए थे, उनको अफीम का बहुत बड़ा व्यसन था। उन्होंने कहा अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मेरा अफीम का व्यसन कभी नहीं छूटता। प्रमुख स्वामी जी ने मेरे पर बहुत बड़ी कृपा की, हमारे पशुओं को तो संभाल लिया, साथ में हमारे व्यसन भी छुड़वा दिए। तो ये एक पूरा वातावरण, एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल सा वातावरण वहाँ पे मुझे दिखा, और मुझे लगता है कि कोई भी काम में अगर इस तरह की स्पिरिचुअलिटी होती है तो उस काम की जो इफेक्टिवनेस है, असरकारकता है, वो कहीं ज़्यादा होती है। कि एक बड़े संत का आशीर्वाद जिस जगह हो उस जगह फलश्रुति कैसी होती है। ये जो पूरा माहौल था प्रमुख श्री के औरा से प्रभावित था, और इसमें एक अलग तरह की एनर्जी मुझे देखने को मिली। इस प्रकार प्रमुख स्वामी जी महाराज ने पशुओं के लिए आवास, आहार और आरोग्य की व्यवस्था करवाई। इस हेतु संतों, स्वयं सेवकों को प्रेरित करके इस कार्य को आगे बढ़ाया। जैसे वामन जी के साथ उनका दंड भी बढ़ा था, उसी प्रकार सेवा के साथ समस्याएं भी बढ़ती गईं। एक बड़ा विघ्न खड़ा हो गया। अटलादरा स्थित कैटल कैंप के बाहर संतों, स्वयं सेवकों ने घास के गोदाम की ओर देखा तो धुआं निकल रहा था। सभी डर गए क्योंकि पशुओं का लाखों रुपए का घास चारा उसी गोदाम में था।
हमने दर्शन किया कि परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने किस प्रकार एक कैटल कैंप की सारी व्यवस्था की। उन्होंने जो है पशुओं के केवल जो है आहार का ही ख्याल नहीं रखा, या तो फिर जो है पशुओं को इकट्ठे करके जैसा भी मिल जाए उस तरह जो है उनको व्यवस्था जैसी हमसे हो सके ऐसी व्यवस्था करते रहो, ऐसा ही नहीं रखा। उन्होंने जो है सूक्ष्मता से विचार किया कि पशुओं को जो है कैसे कैसे तत्वों की शरीर में आवश्यकता है। तो उन्होंने जो है डॉक्टरों से पूछा, जो पशुओं के चिकित्सक थे उनसे वे मिले, और एक पशु को दिन में जो है कितना आहार चाहिए, किस प्रकार का आहार चाहिए, ये भी उन्होंने अच्छी तरह से व्यवस्था करवाई। ये सब आज हमने दर्शन किया। अब अगली सभा में हम ये देखेंगे कि ये जो है केवल आपत्ति पशुओं के लिए नहीं थी, साथ में जो है समाज पर भी ये बड़ी आपत्ति थी, क्योंकि 3-3 वर्ष से बारिश नहीं हुई थी तो लोगों को भी जो है खाने के लिए कुछ नहीं था। तो परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने ये व्यवस्था भी कैसे की, ये अगली सभा में हम दर्शन करेंगे। आइए अब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, धुन करते हैं स्वामीनारायण महामंत्र की। वर्तमान समय में कोरोना का प्रकोप जो है पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है, तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि ये प्रकोप शांत हो। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी 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 नारायण 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 Swami Narayana, 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 Swami Swami Narayana, 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 Swami Narayana, 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 Swami Narayana, 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 सभा के अंत में अब हम सब भगवान की आरती में जुड़ेंगे। हम सब अपने घर पर अपनी आरती को प्रज्वलित करेंगे और एक साथ अब हम आरती में जुड़ेंगे। सर्वोत्तम
सभा के अंत में अब हम ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक का गान करके आज की सभा को पूर्ण करेंगे। अगली सभा तक सभी को जय स्वामीनारायण। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मन विभाव्य दासभावेन स्वामीनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामीनारायणं नीलकंठं भजे। श्रीहरिं